मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। और मैं मानता नहीं कोई लिबरलाइजेशन चल रहा है, एक्चुअली ये रिकॉलोनाइजेशन का एक दूसरा प्रोसेस चल रहा है। और उस लिबरलाइजेशन के नतीजे क्या निकल रहे हैं, विदेशी पूंजी के स्तर पर कुछ आया नहीं आपके देश में, जो कुछ आया उससे ज्यादा चला गया। और अगर एक दूसरा हिसाब और जोड़ना शुरू कर दूं कि फाइनेंशियल मार्केट में जो थोड़ी सी विदेशी पूंजी आ गई थी उससे नतीजा क्या हुआ था, 100-150 रुपए वाला शेयर 1500 में पहुंच गया था, 2000 में पहुंच गया था, जिसको देखो वो शेयर खरीदने के लिए पागल था इस देश में। मुझे वो दिन याद है कि मेरे घर के सामने जो पान बेचता है इलाहाबाद में, वो रोज सवेरे सवेरे आता था, मुझसे पूछता था कि राजीव भाई आज ACC का दाम क्या है। तो मैं कहता था भाई तुमको क्या लेना देना ACC के, नहीं मैंने ACC खरीदा। मैंने कहा कहां से तुम्हारे पास पैसा आ गया कि बीवी के गहने गिरवी रखे हैं, मैंने ACC खरीदा, क्या होने वाला है। कहने लगा आप तो बेवकूफ आदमी, आपको मालूम नहीं मैं रातों रात लखपति होने जा रहा हूं। आज ये 1500 का है, कल 2000 का हो जाएगा, फिर 3000 का हो जाएगा, फिर 3500 का हो जाएगा, आप देखिए रातों रात लखपति हो जाऊंगा मैं। और ऐसे हिंदुस्तान में बहुत इंटेलिजेंट लोग थे जिन्होंने अपनी फैक्ट्रियां बंद करके शेयर बाजार में पैसा लगा दिया, जिन्होंने बीवी के गहने गिरवी रख के शेयर बाजार में पैसा लगा दिया, जिन्होंने मारुति की कार गिरवी रख के शेयर बाजार में पैसा लगा दिया। और मनमोहन सिंह उस समय चिल्ला रहे थे कि देखिए ग्लोबलाइजेशन का नतीजा निकल रहा है, इकोनॉमी बूम कर रही है, माने शेयरों के दाम बढ़ रहे हैं, तो मनमोहन सिंह कहते थे कि इकोनॉमी बूम कर रही है। कोई भी रद्दी से रद्दी अर्थशास्त्री इस बात को कह नहीं सकता कि शेयरों के दाम बढ़ने से कंपनियों की अपनी प्रोडक्टिविटी पे कोई गहरा असर पड़ रहा है क्या। यह जरूरी नहीं है कि जिस कंपनी के शेयर के दाम बढ़ रहे हो वो कंपनी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही हो, यह बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये बहुत बार इन्फ्लेटेड होती है चीजें। लेकिन मनमोहन सिंह जैसा आदमी जब पार्लियामेंट में यह तर्क देता था कि देखिए मैंने जो लिबरलाइजेशन किया, जो ग्लोबलाइजेशन किया, उससे शेयर बाजार में इतना तेज उछाल आया है, एक दिन पता चला कि बुलबुला फट गया, गुब्बारे में जितनी हवा भरी थी वो सब फट गई। तो पता चला कि 2500-3000 पे बिकने वाला शेयर जमीन पे आके गिरा, 100 रुपए में 150 रुपए में 200 रुपए में कोई खरीदने को तैयार नहीं। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने एक कमेटी बिठाई, पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई गई रामनिवास मिर्धा की अध्यक्षता में, उन्होंने काम किया, 2-3 महीने में रिपोर्ट आई कि ये जो विदेशी पूंजी को हमने छोड़ दिया शेयर बाजार में आने के लिए, वो जो खोल दिया हमने शेयर बाजार में आने के लिए, उसी का नतीजा निकला कि उन्होंने पहले शेयरों के दाम बढ़ा दिए और हिंदुस्तान के लोगों ने क्या किया कि अपने खून पसीने की कमाई को शेयर बाजार में झोंक दिया ले जाके, फिर जब उनको जरूरत पड़ी तो यहां से लेकर उड़ गए, तो पता चला जमीन पे आके हम गिरे। कमेटी की फाइंडिंग्स हैं, ये मेरी नहीं, कि हिंदुस्तान में विदेशी पूंजी निवेशकों ने कुछ हजार करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके हिंदुस्तान के लोगों का 70,000 करोड़ लूट लिया। इतनी बड़ी डकैती आपके देश में पड़ गई और आपने किसी ने FIR तक दर्ज नहीं कराई। और बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग जो अपने आप को 30 मारखां कहते थे, जो कहते थे कि शेयर बाजार की नब्ज तो हमारी टिप्स पे रखी हुई है, वो सब मुंह छुपा के पता नहीं कहां दुबक गए, नजर नहीं आते। इसी देश में हुआ ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के नाम पर कि एक एक कंपनी आई जिसने 400 करोड़ मार्केट से उठा लिया, पता चला कि वो कंपनी आज कहीं है भी नहीं। जिस कंपनी ने कभी नट बोल्ट नहीं बनाया, जिन्होंने कभी प्रोडक्शन के क्षेत्र में कोई एक नए पैसे का काम नहीं किया, वो आए और मार्केट से 420 करोड़ उठा ले गए, कोई 480 करोड़ उठा ले गया, कोई 500 करोड़ उठा ले गया, कोई 1000 करोड़ उठा ले, माने लूट की खुली छूट मची हुई थी। कोई कानून नहीं था, कोई रोक नहीं थी, कोई गाइडलाइंस नहीं थी। मनमोहन सिंह साहब यही चिल्ला रहे थे कि देखिए इकोनॉमी में तरक्की हो रही है इस देश में, मालूम नहीं था कि इस देश के लोगों की जेब काटी जा रही है। और अंत में पता चला कि हमको जो नुकसान हुआ है वो कितना हुआ है, देश के लोगों के खून पसीने की कमाई का 70,000 करोड़ रुपया डूब गया इस शेयर बाजार, जो वापस आएगा किसी को कुछ पता नहीं। और मैं पूछता हूं कि ऐसे समय में मनमोहन सिंह को लाके चौराहे पे कम से कम 2-4 बातें पूछ तो लेनी चाहिए कि एक जमाने में आप चिल्लाया करते थे पार्लियामेंट के अंदर कि देखिए ये मेरे लिबरलाइजेशन का कमाल है कि शेयर बाजार चढ़ रहा है, फिर क्या हुआ इसमें, क्यों डूब गया 70,000 करोड़ रुपया, कौन जिम्मेदार है इसका, किसी की अकाउंटेबिलिटी बनती है कि नहीं इस देश में, किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं बनी। और उसी कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस किए थे मनमोहन सिंह को कि ये सारा तमाशा सिटी बैंक के इशारे पर हुआ, हर्षद मेहता तो उसमें सिर्फ एक कठपुतली की तरह से काम करता रहा, ये मैं नहीं कहता, पार्लियामेंट्री कमेटी की फाइंडिंग्स है। और कमेटी ने ये रिकमेंडेशंस किए कि सिटी बैंक ऑफ इंडिया को हिंदुस्तान से बिस्तर बांध के भगा देने की जरूरत है, तो मनमोहन सिंह ने स्टेटमेंट किया कि नहीं, हम सिटी बैंक ऑफ इंडिया को अगर भगा देंगे तो गलत सिग्नल्स जाएंगे दुनिया में, माने चोर को चोर नहीं कह सकते हम, डकैत को डकैत नहीं कह सकते हम, क्योंकि हमारे सिग्नल्स गलत चले जाएंगे। कौन सा देश है ये और कौन सा फाइनेंस मिनिस्टर इस देश को रूल करता है।
दुनिया के किसी भी दूसरे देश में अगर अमरीका में ही ये स्कैम हुआ होता, हिंदुस्तान की जगह अमरीका को रखकर देखिए, और अमरीका में ये स्कैम हुआ होता और काश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा उसमें इन्वॉल्व होता, तो अमेरिकन सरकार ने एक मिनट की देर नहीं की होती स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को वहां से रवाना करने में। ये हम पॉलिटिकल स्लेव कंट्री में रहते हुए मैं कह रहा हूं इस देश में कि सिटी बैंक ऑफ इंडिया के बारे में सारे सबूत होने के बावजूद इस देश में सिटी बैंक ऑफ इंडिया को हिंदुस्तान से नहीं भगाया गया, क्योंकि मनमोहन सिंह नहीं चाहता। और कभी कभी मैं ये आरोप करता हूं कि मनमोहन सिंह कोई मनमोहन सिंह नहीं है, वो अमेरिका का 101% एजेंट है इस देश में, जिसने इस देश की इकोनॉमी को इतने बड़े लेवल पे ले जाके पटक दिया। और आपको मालूम है जो पैसा डूब गया उसकी वजह से जो रिसेशन है मार्केट में वो आज तक खत्म नहीं हो रहा, कितने कारखाने बंद हो गए इस देश में, हजारों हजारों प्रोडक्शन यूनिट इस देश में बंद हो गए क्योंकि उनका पैसा शेयर बाजार में लग गया। मैं मेरे उत्तर प्रदेश के बारे में बात करता हूं, नोएडा के आसपास करीब 80,000 छोटे छोटे प्रोडक्शन यूनिट थे जो डूब गए क्योंकि उनका पैसा शेयर बाजार में फंस गया, वो चल नहीं सकते। और कितने ऐसे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं कि जो करोड़पति बनने चले थे रोडपति हो गए, सड़क पे खड़े, डूब गया पैसा शेयर बाजार। और ये जो डूबा हुआ पैसा है इसको वापस निकालने के लिए ना मनमोहन सिंह के पास कोई तरकीब है ना चिदंबरम के पास कोई तरकीब, कैसे आएगा ये पैसा? ये ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ, ये लिबरलाइजेशन नहीं हुआ, आपकी लूट हुई। लूट होने के तरीके बदलते रहते हैं, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आती थी, अंग्रेज आते थे तो बंदूक और तलवार के दम पे लूट कर ले जाते थे आपके यहां, और अब तरीका बदल दिया है, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के नाम पर आते हैं और आपके देश से 70,000 करोड़ लूट कर ले जाते हैं और आप खामोशी के साथ बैठे बैठे देख रहे हैं। पता नहीं कब हर्षद मेहता को इस देश में फांसी की सजा मिलेगी, मुझे मालूम नहीं, पता नहीं कब मिलेगी, शायद हो सकता है 2 साल के बाद आप भी भूल जाएं, मैं भी भूल जाऊं कि इस देश में इतना बड़ा स्कैम भी कोई हुआ था। और आप देख लीजिए जब से ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन है तो ये स्कैम का ही है हिस्सा, जिसको आप ग्लोबलाइजेशन कहते हैं वो स्कैम का ही एक दूसरा हिस्सा। जितने तेजी से ग्लोबलाइजेशन चला उतने तेजी से इस देश में घोटाले चले। 1991 से 1997 के बीच में जितने घोटाले हुए हैं उसमें पार्लियामेंट की फाइंडिंग्स है, मेरी फाइंडिंग्स नहीं, कि हिंदुस्तान के लोगों के खून पसीने की कमाई का 70,000 करोड़ डूब गया। ये वो क्या, तो 20,000 करोड़ आया और 70,000 करोड़ हमारा डूब गया, ये है ग्लोबलाइजेशन का असली पिक्चर। कोई पूंजी वहां से आ नहीं रही है, आपका लूट करके आपके देश से ले जा। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।